हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम पहुंच चुके हैं बाबा जी दरबार में खेड़ी, और यहाँ ब्रह्म माथा टेकेंगे। ये है अपने भगवान जी बाबा जी का सच्चा दरबार। यहाँ जो आए एक बार, आए हजार बार, और मन मांगी मुरादे पाए बार बार। ये देखिए हमारे बाबा जी बैठे हैं इधर। ये हैं हमारे भक्त बाबा जी, इनका आशीर्वाद लीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। और ये है हमारे गुरु गोरखनाथ जी का स्थान, गांव खेड़ी। आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर माथा टेकेंगे, नतमस्तक होंगे अपने परमात्मा गुरु के दरबार में, जो बहुत ही अच्छी बात है। और ये वीडियो इसीलिए बनाई जा रही है ख़ास तौर से। और आप ये देखिए, सच्चा दरबार है दोस्तों, यहाँ से सब कुछ मिल जाता है अगर बंदा अपने मन में ठान ले बात और विश्वास रखे अपने परमात्मा और अपने गुरु के ऊपर। सदैव उसकी झोली भर जाती है। परमात्मा और गुरु को कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी श्रद्धा चाहिए और विश्वास चाहिए। उसी श्रद्धा विश्वास को लेकर के आप जब कुछ जीत सकते हैं। और अगर आप किसी चीज़ का अहंकार करते हैं तो कभी आप जीत कर भी बाजी जीत नहीं पाएंगे और हार जाएंगे। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये देखिए 10 गुरु जिन्होंने धर्म के रास्ते पे चलना सिखाया है हमें। और ये है हमारी अम्मा जी, बहुत प्यार करती थी हमें जब हम छोटे छोटे आते थे यहाँ पर बाबा जी के दरबार में। और ये है हमारे बाबा जी जो स्वयं साक्षात परमात्मा का रूप, स्वर्गवास है इनका। और यहाँ पर गद्दी का प्रताप है। और ये अन्य देवी देवते, ये देखिए गुरु गोविंद सिंह जी हैं। और यहाँ पर ये देवी देवते और भी आ गए, ये गुरु आ गए हमारे। ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रताप है। ये अमृतसर साहिब की फ़ोटो। और यहाँ पर बड़ी आकर्षक लाइटिंग का भी इंतजाम किया गया है दोस्तों। ये देखिए बहुत ही प्यारी लाइटिंग लग रही है यहाँ पर। और बाबा जी का दरबार 24 घंटे सपने सबके करता है साकार। और ये देखिए लाइटिंग की वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, यहाँ से बना करके बड़ा अच्छा लग रहा है। ये सारा दरबार है बाबा जी का, इधर देखिए हमारे चाचा जी बैठे हुए हैं इधर हमारे साथ हैं जो। ये देखिए मैंने कहा था कि अंदर बैठ जाइए आप जी, ये कह रहे कि चलो मैं यहाँ ठीक बैठा हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है जी। और ये हमारे बाबा जी हैं जो हमारे बाबा जी के बाद गद्दी संभाल रहे हैं और लोगों का जो है यहाँ पर अच्छा प्रचार कर रहे हैं। लोगों को सब कुछ मिलता है यहाँ आए अगर सच्चे मन से विश्वास करके, बिन मांगे मुरादें मिल जाती हैं यहाँ पर दोस्तों। मुझे तो पता है, मैं आज का नहीं आ रहा यहाँ पर, 20 साल हो गए मुझे आते हुए। और ये है गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति, इसके अंदर है सारी शक्ति, देख लीजिए। और ये इधर से सारे देवी देवते आ गए दोस्तों। जैसे शिव शंकर जी है हमारे, ये कृष्ण कन्हैया जी है, नटखट माता राधा जी है, ये वीर बजरंगबली हनुमान जी हैं। और ये माताएं हैं हनुमान जी भैरवनाथ। इधर से देख लीजिए ये सारे देवी देवते यहाँ पर विराजमान हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इधर हमारे गुरु गोरखनाथ जी आ गए फिर दोबारा से, ये दिए जल रहे हैं जो भक्ति का प्रताप, खनौड़े बड़ी हैं इधर। ये देखिए ये हमारे बाबा जी इधर उपहार दे रहे हैं, खाने को प्रसाद दे रहे हैं। और ये हमारे घर वाले बैठे हैं यहाँ पर, इनको चढ़ा जाएगा। इधर देखिए बहुत ही प्यारी मूर्तियाँ हैं, विश्वास है एक अटूट जो बंदे के मन में सदा रहता है। इधर देखिए ये हार बहुत ही प्यारा लग रहा है। इधर माता जी और भैरवनाथ जी, बालकनाथ जी होती है, इधर भैरवनाथ जी हैं, हनुमान जी बाबा बालकनाथ जी हैं। और ये है हमारे परम पूज्य परम प्रतापी धर्म के अवतार, भगवान के बराबर दर्जा इनको हम देते हैं दोस्तों। ये है हमारे गेंदा राम भगत जी जो सभी से बहुत प्यार करते हैं अभी, और इनका स्वर्गवास है।
और ये दोबारा कहीं ना कहीं जन्म ले चुके हैं दोस्तों, मेरा मानना है। तो आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और इस वीडियो को देख के जो है अपना धर्म जो है उसको थोड़ा सा आप ज़्यादा बढ़ावा दीजिए और सत्य के मार्ग पे चलें। और ये जो हमारे बाबा जी हैं, बाबा गेंदाराम जी भगत जी, इनका स्वर्गवास हो चुका है और दोबारा भी उन्होंने कहीं ना कहीं जन्म ले लिया है, मेरा मानना है दोस्तों, क्योंकि मैं मानता हूँ, इनको जानता हूँ, मेरे अंदर एक अटूट विश्वास है यहाँ आने से। और अगर मैं यहाँ नहीं भी आ पाता तो भी मेरे अंदर मेरे भगवान जी बाबा जी सदैव वास करते हैं, मुझे धर्म के रास्ते में चला रहे हो। तो इस वीडियो से आप दोस्तों ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दरबार सच्चा है और आप मन मांगी मुरादें यहाँ से पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास औलाद नहीं होती तो भी आप यहाँ आके औलाद को प्राप्त कर सकते हैं धर्म के द्वारा। और इतना अच्छा रास्ता कि आपको एक पैसा भी खर्चने की जरूरत नहीं, यहाँ पर जो आपकी श्रद्धा है आप चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बड़े खूबसूरत प्यारे प्यारे आपको बच्चे मिल जाएंगे इस दरबार में आने से दोस्तों, सभी दुख दर्द आपके कट जाएंगे और एक ऐसा आपको संतुष्टि प्रभाव मिलेगा कि आप पूछिए मत, आप गुणगान करते रहेंगे सदैव अपने भगवान जी बाबा जी का। ये देख लीजिए दोस्तों, मैंने आपको पूरी सच्चाई यहाँ पर बता दी है इस वीडियो के अंदर, और आगे भी वीडियो लेकर के आता रहूँगा मैं यहाँ बाबा जी के दरबार के ऊपर। यहाँ आने में थोड़ा समय लगता है दोस्तों, लेकिन मैं समय निकाल लूँगा, कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ से मुझे सब कुछ मिला है दोस्तों, और मेरे माता पिता भी यहीं से ठीक हुए थे। तो यहाँ पर जो दिव्य शक्ति वास करती है वो है अपने परमात्मा गुरु जी का विश्वास, और इन मूर्तियों का जो यहाँ पर स्थापना की गई है उसकी दिशा, वो जो दिशा दिखाते हैं हमें, उस दिशा के ऊपर हमें चलना चाहिए और अपने परमात्मा गुरु के ऊपर सदैव विश्वास रख के हर एक संकट दुख अधर्म और पाप का नाश करना चाहिए। कभी हंकार ना करें, आप प्यार करें सभी से, जैसे हमारे बाबा जी करते थे। ये जिनकी मूर्ति आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर, ये सबसे प्यार करते थे दोस्तों, और परमात्मा का रूप थे ये, और दोबारा भी ये जन्म ले चुके हैं कहीं ना कहीं, मेरा मानना है। और जो वीडियो मैं इधर बना करके अब आपको दिखा रहा हूँ वो उनके लड़के हैं जो गद्दी को संभाल रहे हैं अब। इनका नाम है बग्गा जी, बग्गा चाचा जी हम इन्हें कहते हैं, बाबा जी भी कह देते हैं। ये देखिए बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यार से ये इलाज करते हैं सभी का, बहुत ही ज़्यादा प्यार से और आदर सत्कार से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का जो है ख्याल रखिए, और इस वीडियो को धर्म के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। जय बाबा बालकनाथ जी, जय सच्चे डेरे की, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।